यहाँ पे इंडियन रॉक पाइथन आजकल क्यों करके इन्हें सुरक्षित फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका इनको इंसानी बस्ती में रहना ठीक नहीं होता, क्योंकि ये काफी बुरा अटैक मारते हैं। आप इनके अटैक को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे अटैक ले रहा है, और ये अटैक करने में काफी माहिर होते हैं, और इन्हें बाइक किया जाता है। भगाही में जुगुन सिंह के यहाँ निकला हुआ है, और इन्होंने स्नेक को बचाया, हमें सूचना दिया, और इन्हें अब पैक किया जाता है। शिकार जो है बाहर नहीं निकल, हाँ शिकार इनके मुख से नहीं छूट सकता, जब ये चाहेंगे तभी शिकार को छोड़ेंगे। भाई और ये अजगर इंटरनेशनल जीव है, ऐसे जीव अगर कहीं दिखते हैं तो आप लोग इन्हें मारे नहीं, इन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करवाएं और इन्हें फॉरेस्ट में रिलीज करवाएं। और सर जी ने इन्हें रेस्क्यू करवाया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इंटरनेशनल जीव होते हैं, इन्हें बचाना काफी आवश्यक है, ये पर्यावरण के दोस्त होते हैं। और अब इन्हें हम पैक करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें काफी विशालकाय होता है, और ये काफी बड़े होते हैं, लगभग इनकी लंबाई जाती है 15 से 20 फुट तक जाती है, और कभी कभी ये 25 फुट के भी पाए जाते हैं। और इन्हें पैक किया जाता है और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा, और वहाँ पे अपना जीवन आसानी से व्यतीत करेंगे, निर्भय होकर के, इंसानी बस्ती से दूर। हाँ एक लोग बोरा उठाइएगा, वो आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम अजगर का मुख पकड़े हुए हैं, पहले कोई दिक्कत नहीं है माता जी, चलिए चलिए चलिए। और इन्हें पैक कर चुके हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पे रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इन्हें फॉरेस्ट इनके लिए काफी उत्तम होता है, कहीं से भटकते भटकते इंसानी बस्ती में आ चुके हैं, और इन्हें बड़े फॉरेस्ट में रिलीज किया जाएगा। अच्छा ये छोटे जानवर मुर्गी वगैरह को खा सकता है? जी जी बड़े आसानी से खा सकते हैं। अच्छा ये कुछ इनके नाम से ये भ्रांतियाँ हैं कि इंसान को सांस में खींच जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये इंसान को नहीं अंदर ले जा सकते, क्योंकि ये कंधा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से इंसान को सांस में नहीं खींच सकते। ये जब ये पकड़ते हैं तो इंसान को या जीव को जकड़ के उसका जान ले लेते हैं, इसके बाद ये फिर शिकार करते हैं। अगर 8 वर्ष का बच्चा है तो ये उसे निगल सकते हैं। अच्छा इतना बड़ा बच्चा, ये 8 वर्ष के बच्चे को निगल सकते हैं, क्योंकि उनका कंधा तगड़ा नहीं होता, उन्हें दबा के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। और भेड़ बकरी जैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीवों को ये शिकार बनाते रहते हैं, और वयस्क लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, उन्हें शिकार नहीं कर सकते। ये है कि वाइट लेते हैं तो ये मांस निकाल लेते हैं, काफी जकड़ के पकड़ते हैं, काफी खून निकल जाता है, इसलिए इनसे सावधान भी होना आवश्यक है। और इन्हें हम रेस्क्यू कर चुके हैं, हम लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। धन्यवाद आपका, हमें बुलाया, इन्हें रेस्क्यू करवाया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे जंतु प्रेम से आप लोग जुड़े रहें।
आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है, और यहाँ पे हम स्नेक को रिलीज करने के लिए आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेंगे निर्भय होकर के, इंसानी बस्ती से दूर हट करके, क्योंकि स्नेक को इंसानी बस्ती में रहना ठीक नहीं होता, और ये फॉरेस्ट में अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत कर सकेंगे निर्भय होकर के। वो आप देख सकते हैं फॉरेस्ट की खूबसूरती को, जो कि इन जानवरों के लिए काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा होता है, इन्हें पर्याप्त शिकार मिला करते हैं, और हम यहाँ पे स्नेक को रिलीज करते हैं। आप देख सकते हैं भारत का सबसे विशालकाय स्नेक इंडियन रॉक पाइथन, जिसे कि अजगर नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी बड़े होते हैं, और ये अभी बच्चा है, इसकी उम्र करीब करीब 1 वर्ष है, ज़्यादा नहीं, और ये प्रायः आप देख सकते हैं इनके अटैक को कैसे शिकार के ऊपर अटैक मारते हैं। और करीब आ जाइए, दूर नहीं रहिए, और ये काफी विशाल काय होते हैं, इनकी लंबाई करीब करीब 20 से 25 फीट के आसपास पाई जाती है, लेकिन अभी ये बच्चा है, अभी 1 वर्ष का बच्चा है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, किंतु ये आक्रामक होते हैं। इनका आहार होता है मुख्य रूप से बिल्ली, छोटे छोटे जानवर, खरगोश, इन लोगों को आराम से पकड़ के खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, यहाँ पे जीवन व्यतीत करते रहते हैं, और इन्हें हम फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। आप इनके अटैक को देख सकते हैं, जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो अपने शिकार के ऊपर ऐसे ही अटैक मारते हैं। आप इनके अटैक को देखिएगा, अटैक को देखिएगा कैसे अटैक लेते हैं, और करीब आ जाइए आप, और आप देख सकते हैं कि कैसे पीछे की तरफ जा रहा है, धीरे 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 पीछे की तरफ अपने आप को सरकाते हुए जा रहा है, और अटैक भी ले रहा है। आप इनके साउंड को सुन सकते हैं, उनके अटैक को देख सकते हैं करीब से, आप देख सकते हैं स्नेक कितना खूबसूरती के साथ फॉरेस्ट में जा रहा है, और फॉरेस्ट में जाते हुए ये कितना प्यारा लग रहा है। यही है भारत को इंडियन रॉक पाइथन स्नेक, जिसे अजगर कहते हैं। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये फॉरेस्ट में जा रहा है। और अजगर सांप अपने प्राकृतिक प्रवेश नेचर में जा चुका है। हम इतना रिस्क उठा करके जंतु बचाने का कार्य करते हैं, हमारा कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।